हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेनेट डायोड। जी हाँ, जेनेट डायोड क्या है, व्हाट इज द सिंबल वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस की थी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रेकडाउन मैकेनिज्म अकर इन जेनेट डायोड। नाउ इन दिस लेक्चर जेनेट डायोड को ही कंटिन्यू करना है एक अनदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज जेनेट डायोड वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो किस तरह से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जेनेट डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो जेनेट डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इट इज कनेक्टेड इन शंट विद द लोड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड शंट रेगुलेटर, राइट। अब बेसिकली जो जेनेट डायोड को हम बोल रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेंगे, तो अब अगर मैं सर्किट की बात करूं तो इस तरह से सर्किट रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके अंदर यहाँ पे आपकी सोर्स है, दिस इज द सोर्स रेजिस्टेंस, दिस इज द सोर्स करंट और यहाँ पे आपका जेनेट डायोड अप्लाई किया जाता है। दिस इज अ जेनेट डायोड जो कि रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में लगाया गया, आप देख सकते हैं वोल्टेज के सर्किट में, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल जो कि आपका एक रिवर्स कंडीशन में डाउट ऑपरेट होता है, राइट। जेनेट डायोड के अक्रॉस लोड रेजिस्टर है RL और इसी के अक्रॉस हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है। तो जेनेट डायोड को लिखा जाता है कि इट इज अप्लाइड इन द पैरेलल इन द शंट ऑफ द लोड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड शंट रेगुलेटर। तो बेसिकली किस तरह से रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, किस तरह से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा व्हेन इनपुट इज चेंजिंग, राइट। तो इस सर्किट के अंदर बेसिकली कुछ रिलेशंस हैं जो मैथमेटिकली हमें बहुत काम आने वाले हैं जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और वो रिलेशंस क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे जेनेट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है VZ, राइट, तो जेनेट डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वही सेम वोल्टेज आपकी आउटपुट पे भी होगी। यही कॉन्सेप्ट है हमारा जेनेट डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ने का, कि जो जेनेट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बन रही है वही वोल्टेज आपको आउटपुट में मिले, तो दैट मींस VL इज ऑलवेज इक्वल टू VZ, तभी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे KVL कंसिडर करें इन दिस सर्किट फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट एंड, तो हमारा KVL क्या लिखा जाएगा, दिस इज स्टार्टिंग वोल्टेज इज VS, उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप देखें तो यहाँ पे माइनस IS इनटू RS, देयर इज अ ड्रॉप। उसके बाद अगर हम आगे चलें अप टू दिस पॉइंट तो हम इस VL को क्रॉस करेंगे, तो हियर इट इज माइनस ऑफ VL इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज द आई वैल्यू ओवर हियर, बेसिकली आई वैल्यू इज गिवन एज VS माइनस का VL डिवाइडेड बाय RS, राइट। तो ये एक रिलेशन है जो यहां पे आपका यूज होगा, दिस इज द टोटल करंट कैलकुलेशन इन योर सर्किट। अब जब आपने यहां टोटल करंट कैलकुलेशन कर लिया तो वही टोटल करंट यहां पे आपको एक और रिलेशन दे रहा है, दिस IS इज इक्वल टू, ये IS यहां पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज कॉल्ड IZ एंड वन इज कॉल्ड IL, राइट। तो दिस टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स IZ एंड IL, तो यहां पे रिलेशन बनेगा IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। और एक रिलेशन मैं आपको दे चुका हूं कि VL इज डायरेक्टली इक्वल टू VZ, राइट। और एक रिलेशन जो हमने पढ़ा, I इज इक्वल टू क्या, V माइनस ऑफ VL, VS माइनस ऑफ VL डिवाइडेड बाय RS। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज सपोज मैं कहता हूं इंक्रीज कर रही है, तो सप्लाई वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी तो एज पर दिस रिलेशन आपका VS आपने इंक्रीज कर दिया तो IS इंक्रीज कर जाएगा ना, यानी अगर IS इंक्रीज कर गया सो मुझे तो इस IL को कॉन्स्टेंट रखना है, राइट। IL को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, अगर IS इंक्रीज कर रहा है IL को मुझे कांस्टेंट रखना है तो अल्टीमेटली क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी, जी हाँ, इस IZ को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो जो इंक्रीमेंट होता है करंट में वो जेनेट डायोड के क्रॉस इंक्रीज हो जाता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है, क्यों, क्योंकि आउटपुट करंट आपका कांस्टेंट रहने वाला है। एंड द सेम इन द अपोजिट पार्ट कि अगर आपका IS डिक्रीज करता है, यानी कि अगर सप्लाई वोल्टेज को आप डिक्रीज करते हैं तो उस डिक्रीमेंट के केस में आपका IS डिक्रीज होगा, IL को कांस्टेंट रखना है, तो उस केस में IZ मेरा डिक्रीज कर जाता है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जेनेट डायोड की, कि जब जेनेट डायोड एक रिवर्स रीजन में ऑपरेट करता है, यानी ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, तो उसके बाद अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है, तो इस जेनेट के अक्रॉस करंट भी अप एंड डाउन होता है टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट लोड करंट, राइट। यही मेन रिलेशन है जो यहां पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये रिलेशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें आप जेनेट डायोड को और अच्छे से समझ पाएंगे किस तरह से रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में एज इट इज पुट अप होते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, यहां मैंने लिखा है द केस व्हेन द फिक्स्ड VI एंड फिक्स्ड RL, यानी कि जब आपका सप्लाई भी फिक्स्ड है और आपका RL भी फिक्स्ड है, उस केस में जेनर के अक्रॉस किस तरह से हम वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द VR वोल्टेज,
वोल्टेज एंड इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द जनरेट करंट, व्हाट इज द पावर अक्रॉस जनरेट डायोड, ये सब चीजें राइट. और अगर हमने लोड को चेंज कर दिया फ्रॉम आरएल टू 3 किलो ओम देन रिपीट द अबव प्रॉब्लम. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को करने का यहाँ पे मतलब क्या है वो समझिएगा. सो पहला केस जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिया गया है वो कहता है कि कैलकुलेट द वीएल वोल्टेज. अब वीएल वोल्टेज क्या होगी, अब सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या ये जेनर डायोड ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है राइट. और ये कैसे चेक करते हैं, सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दिस वीएल वोल्टेज. वीएल वोल्टेज कहां से कैलकुलेट करूंगा, वीएल वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम दिस इनपुट वोल्टेज. जी हाँ, अगर आप एक सेकंड के लिए इसे भूल जाएं कि ये लाइन यहां पे नहीं है एंड दिस इज अ नॉर्मल नेटवर्क, तो इस नॉर्मल नेटवर्क में आप करंट के लिए एक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई जो फ्लो करेगा दैट इज टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 1+1.2 यानी 16 / 2.2 राइट. और जब ये करंट आ गया तो इस करंट की मल्टीप्लाई वापस मैं आरएल पे करूंगा तो मुझे 1.2 किलो ओम से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर आरएल. या डायरेक्टली भी हम इसे यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा है कि ये जो 16 वोल्ट की वोल्टेज है ये डिवाइड हो रही है किस में, इस दो रेजिस्टेंस में आर और आरएल में. तो अगर मुझे आरएल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो व्हाट इज द वोल्टेज डिवीजन रूल सेज, इट सेज दिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज 1.2 किलो ओम डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस 1+1.2 मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज दैट इज 16. So by applying the voltage division rule, हम सबसे पहले step में calculate कर सकते हैं कि what is the value of this load voltage. तो load voltage यहाँ पे कितना आ रहा है, 8.73 volt. अब zener diode के across जो voltage है यानी zener की जो operating region है वो क्या है, वो है 10 volt. लेकिन जो यहाँ पे load voltage generate हो रही है from the source, ये generate हो रही है 8.73 volt. तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि zener diode operate ही नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि zener diode की working हमने कहाँ पढ़ी थी, कि it will operate in reverse region. But अगर मैं कह रहा हूं यहां पे 8.73 वोल्ट है और इसको ऑन होने के लिए 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, सो दैट मींस ये वोल्टेज इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इसे ऑन कर सके, दैट मींस ये अभी रिवर्स रीजन में नहीं पहुंचा राइट. तो यहां पे याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड दिस आउटपुट वोल्टेज, लोड वोल्टेज हमने कैलकुलेट करी है विद द हेल्प ऑफ इन सप्लाई वोल्टेज एंड बोथ द रेजिस्टेंस. और इन दोनों की हेल्प से अगर मुझे वोल्टेज 8.73 वोल्ट मिल रहा है विच इज लेस देन द जेनर वोल्टेज, हेंस द जेनर डायोड इज इन ओपन स्टेट, यानी यहां पे जेनर डायोड वर्क नहीं करने वाला राइट. और अगर यहां पे जेनर डायोड ओपन स्टेट में चला गया दैट मींस ये जो जेनर के अक्रॉस करंट है दैट इज इक्वल टू 0 राइट. तो यहां पे आप डायरेक्टली लिखोगे द जेनर डायोड करंट अक्रॉस दिस, द करंट अक्रॉस दिस जेनर डायोड बिकम 0. सिमिलरली द पावर बिकम 0, क्योंकि जब आईजेड ही 0 हो गया तो पावर क्या होगी, पावर होगा आईजेड इनटू वीजेड. तो वीजेड तो है हमारे पास लेकिन आईजेड ही 0 हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, 0. और इन दैट केस इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, तो व्हाट इज दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज 16 माइनस दिस वीएल वोल्टेज. क्योंकि अगर आप यहां पे वोल्टेज काउंट्स करते हैं तो दिस वीआई माइनस वीआर माइनस वीएल इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वीआर वैल्यू, वीआर वैल्यू इज वीआई माइनस वीएल. सो वीआई है 16 माइनस वीएल हमने कैलकुलेट किया 8.73. तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर राइट. सो अगर आपके पास कैलकुलेटेड लोड वोल्टेज लेस आती है एज कंपेयर टू जेनर डायोड तो जेनर डायोड होगा हमारा ओपन स्टेट. Now, अब अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है जिसमें हमें बोला गया था कैलकुलेट वोल्टेज लोड अक्रॉस वोल्टेज वी आर आई जेड एंड पी जेड. नाउ वो कहता है इफ द लोड इज चेंजेस टू आर एल इज इक्वल टू 3 किलो ओम, अगर मैं लोड को 3 किलो ओम से रिप्लेस कर दूं तब क्या होगा. तो अगर मैं लोड को 3 किलो ओम से रिप्लेस कर देता हूं तो नाउ दिस वैल्यू बिकम 3 किलो ओम. तो सबसे पहली चीज व्हाट इज द वीएल वैल्यू, तो अगेन एज पर द वोल्टेज डिवाइडर रूल दिस टाइम इट बिकम्स 3 डिवाइडेड बाय 3+1 टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज. तो ये हो गया 3+1 4, 4 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे 4 इनटू 3 दैट इज 12 वोल्ट. यानी इस टाइम जो वीएल की वैल्यू बन रही है वो आ रही है 12 वोल्ट. तो नाउ दिस 12 वोल्ट इज मोर देन दिस 10 वोल्ट, तो दैट मींस अब की बार हमारा जेनर डायोड ऑपरेट होगा. और जेनर डायोड ऑपरेट होने का मतलब होता है कि जब जेनर डायोड वर्क करेगा सो दिस टाइम द वीएल इज फिक्स्ड एट 10 वोल्ट राइट. यही डिफरेंस है, जब तक हमारा जेनर ऑपरेट नहीं हुआ था तब तक आपकी वोल्टेज वैरी कर सकती है आउटपुट
बिलो 10 आ सकता है, बट अगर आपका लोड वोल्टेज 10 से ज्यादा जाने की कोशिश करेगा तो यहां पे जेनर डायोड ऑपरेट हो जाएगा, और जेनर डायोड जैसे ही आपका ऑन हो जाएगा तो ये जेनर डायोड एक बैटरी से रिप्लेस हो जाता है, सो दैट ये जो आपका VL है ये आपका फिक्स हो जाता है इस 10 वोल्ट के अक्रॉस, राइट। अब भले ही कैलकुलेटेड वोल्टेज 12 है बट मैं इस 12 को काउंट नहीं करूंगा, आई विल काउंट व्हाट, आई विल टेक VL इज इक्वल टू VZ इज इक्वल टू ऑलवेज 10 वोल्ट, राइट। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जेनर डायोड वोल्टेज अगर जो हमने कैलकुलेटेड VL है वो हमारी ग्रेटर देन होती है VZ से ज्यादा, तो हमेशा जो आउटपुट होगा दैट इज इक्वल टू VZ। तो अब हमारे क्वेश्चन में VL की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, तो अगर VL 10 हो गया सो व्हाट इज दिस VR बिकम, तो अब की बार VI माइनस VR यानी जो हमने केवल लगाया था VI माइनस VR माइनस ऑफ VL इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द VR वैल्यू, VI माइनस VL, सो दिस टाइम 16 माइनस 10 बिकम 6, तो यहां पे आपकी वोल्टेज बनेगी 6, और अगर ये वोल्टेज 6 है तो व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता है दैट इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है दैट इज 1K, सो यहां से मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूं दैट इज 6 मिली एम्पियर, राइट। तो यानी कि यहां पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 6 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम इस IL करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वी नो व्हाट इज द वोल्टेज एट VL, द VL वोल्टेज इज 10 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ओवर हियर दैट इज 3, सो व्हाट इज द IL बिकम, IL बिकम 10/3 दैट इज इक्वल टू 3.33 मिली एम्पियर बिकॉज दिस इज 3 किलो ओम, तो किलो को जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10^-3, माइनस 3 का मतलब है मिली एम्पियर, राइट। सो IL की वैल्यू हो जाएगी 3.33, IR की वैल्यू है 6, तो अल्टीमेटली अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि दिस बेसिकली टोटल I करंट इज डिवाइडेड इनटू दीस टू करंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IZ बिकम, द वैल्यू ऑफ IZ बिकम IR माइनस IL दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 3.33 दैट इज 2.67 मिली एम्पियर। तो जो आपका जेनर डायोड ऑपरेट होता है आउटपुट उसके इक्वल हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाने देगा, उस कंडीशन में ये हमारा IZ फ्लो कर रहा है, दिस इज द जेनर डायोड करंट, और इस केस में पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग IZ इनटू VZ, दिस इज द पावर कैलकुलेशन कि PZ इज इक्वल टू 26.7 मिली वॉट, राइट। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जेनर डायोड के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपका जेनर डायोड ऑन है कि नहीं है पहले उसे चेक कीजिए, अगर जेनर डायोड ऑन ही स्टेट में नहीं आ रहा तो उसके अक्रॉस करंट जीरो हो जाएगा, बट अगर जेनर डायोड ऑन हो रहा है तो उसके अक्रॉस जो करंट आएगा दैट इज कैलकुलेटेड बाय दिस वे, राइट। और प्रॉब्लम्स करते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, तो जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, गिवन सर्किट है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया था, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, जी हाँ, इस आउटपुट वोल्टेज यानी VL की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय अप्लाइंग द वोल्टेज डिवीजन रूल, एंड वोल्टेज डिवीजन रूल सेज व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 10K, सो 10 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज 10+5, राइट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज दैट इज 120, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 80 वोल्ट, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ VL। So now it says VL is equal to 80 volt और जो यहाँ पे zener diode लगा है वो कहता है 50 volt, यानी मेरी output voltage कहाँ पे होगी, zener diode किस region में होगा, जी हाँ, यहाँ पे VL is greater than VZ, so zener diode is in on state, जी हाँ, zener diode on state में आ जाएगा, और जैसे ही zener diode on हुआ इसका क्या मतलब है कि output को 50 volt पर fix कर देगा, क्योंकि जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन दिस क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज इन दिस क्वेश्चन इज 50 वोल्ट, यानी VL की वैल्यू हम कहां लेंगे, VL की वैल्यू लेंगे 50 वोल्ट, भले ही कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 80 वोल्ट क्यों नहीं आ रही हो, राइट। सो क्योंकि जीनर यहां पे ऑपरेट कर रहा है दैट्स व्हाई VL बिकम्स 50 वोल्ट, राइट। सो VL की वैल्यू हो गई आपकी 50 वोल्ट, नेक्स्ट वो कहता है फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप बना, कैसे कैलकुलेट करूं, दिस 120 इज द इनिशियल वोल्टेज माइनस, अभी हमने पढ़ा था इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं सपोज VR, सो माइनस ऑफ VR माइनस ऑफ दिस VL, दिस इज VL, तो माइनस ऑफ VL इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VR बिकम, 120 माइनस VL, VL कितनी है 50, तो ये हो गया आपका 70 वोल्ट, तो the voltage drop across series resistance is 70 volt and now the current through the zener diode, to current calculation karne ke liye mujhe kya karna padega, ji ha mujhe yahan pe VR voltage pata hai that is 70, to yahan pe I current kitna flow kar raha hai, the resistance jo yahan pe 5 kilo ohm ke resistance ke across current hai, this is 70 divided by 5 kilo ohm, to that is 14 milli ampere,
राइट। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड करंट, यहां पे लोड करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज VL डिवाइड बाय 10 किलो ओम, तो VL था हमारे पास 50 डिवाइड बाय 10 किलो ओम, तो दैट बिकम 5 मिली एंपियर। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IZ, IZ बिकम्स I माइनस IL, सो इट बिकम 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9 मिली एंपियर, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेनर डाउट। Let us consider another question. So another question says, ये question भी आपके last year paper में आ चुका है, for the given circuit calculate the maximum and the minimum values of Zener Diode current. So now see the subjective language of question. It says find the maximum and the minimum value of Zener Diode current. यानी कि Zener Diode operate condition में है, operating condition में, और यहाँ Zener current flow कर रहा है, right? और अगर मैं बोलता हूँ Zener Diode operated है, Zener Diode working condition में है, तो हमने पढ़ा है कि इसके across voltage क्या हो जाएगी, नहीं, what is the value of VL? So VL becomes 50 volt. राइट। सो हियर यू हैव एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू, सो हम बोल सकते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू आई जेड मिनिमम, फॉर आई जेड मिनिमम भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है जेनर ऑपरेट कर रहा है, वीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएल की वैल्यू 50 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगी। अब इस आई जेड मिनिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, राइट। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट अस सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 80 वोल्ट, राइट। हम इसकी मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं, तो अगर हम सेम वही केवल अप्लाई करें, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर, ये आर था ना, यहां पे वीआर वोल्टेज थी, तो व्हाट इज दिस वीआर, सो वीआर बिकम्स 80 माइनस व्हाट इज वीएल, व्हाट इज वीएल इज 50, सो दैट बिकम वीआर इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो अगर वीआर 30 वोल्ट है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स, आई हो जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाय 5k, दैट मींस 6 मिली एम्पियर। और अगर VL 50 है तो यहां से हमें मिल जाएगा IL की वैल्यू, IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 डिवाइड बाय 10k, बिकॉज लोड रेजिस्टेंस 10k, तो ये हो गए हमारी 5 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट फ्लो कर रहा है 6 मिली एम्पियर, IL में जाना है 5 मिली एम्पियर, सो व्हाट इज द जेनर डाउट करंट, यहां जेनर डाउट के अक्रॉस जो करंट बची, दैट इज 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम करंट अक्रॉस दिस जेनर डाउट, क्योंकि हमने यहां पे माना है कि जेनर डाउट ऑन है, सप्लाई वोल्टेज अपनी लोएस्ट वैल्यू पे है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेनर डाउट करंट। Now, what is the maximum value? So, हमने पढ़ा था कि अगर हम अपनी supply voltage को increase करेंगे तो हमारा supply current increase करेगा, supply current increase करेगा, but IL को तो मुझे constant रखना है ना, तो as per relation I is equal to IZ plus IL, अगर I increase हो रहा है तो ultimately IZ increase होगा, IL वहीं की वहीं constant हो जाएगा, right? So, that means जब हमारा supply voltage maximum कर दिया, अब हम अगर हम case consider करें कि हमने supply voltage को क्या कर दिया, maximum, यानि कि V is equal to 120 volt. अब अगर V 120 volt लिया तो what is this VR become? This VR become 120 minus 50 because this is 50 volt. पहले हम देख चुके हैं. तो this become 70 volt. Now what is the value of I? I become 70 by 5K. That means 14 milli ampere. Right? So once you increase the supply voltage to the maximum value, so आपकी जो total current है, that will be coming up to 14 milli ampere. But जो relation है, that IZ is equal to what? I मेन आई माइनस वॉट माइनस आई एल, आई एल को तो आपको फिक्स रखना है, आई एल कहां पे फिक्स थी, आई एल तो 5 मिली एम्पियर भी फिक्स है, तो बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड बिकम, आई जेड बिकम 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम जेनर डाउट करंट, जो कि कितनी है, जो कि 9 मिली एम्पियर है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं एग्जांपल्स के तौर पे, ये एज इट इज पेपर में पूछे जाते हैं, आ चुके हैं, वहीं से मैंने क्वेश्चंस भी पुट अप किए हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियरली। सो इट सेज दिस इज अ गिवन सर्किट एंड अ 7.2 जेनर इज यूज्ड इन द सर्किट एंड द लोड करंट इज टू वेरी फ्रॉम 12 टू 100 मिली एम्पियर, राइट। अब यहाँ पे लोड वेरी कर रहा है, find the value of series resistance R to maintain a voltage of 7.2 volt across the load. इस voltage को मुझे 7.2 voltage पर रखना है, यानी Zener Diode की कितनी voltage है, 7.2 voltage है, तो जो Zener Diode की voltage है वही output voltage बनती है, so इस voltage को 7.2 volt पर रखना है, इसके लिए इस R की value को calculate करना है। It says further the input voltage is constant as 12 volt, तो ये voltage आपकी 12 volt है, and the minimum Zener current is 10 milli ampere, जी हाँ, अब यहाँ पे condition दी गई है, is minimum Zener current. So given IZ minimum is equal to 10 milli ampere.
तो ये सारी हमारे पास चीजें गिवन है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. अब आर कैसे कैलकुलेट करें? सो सेम हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर इस सर्किट के अंदर हम देखें तो व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस आर, तो वोल्टेज डेवलप होती है दैट इज 12 - 7.2, दैट इज द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस आर. और अगर मैं करंट डेवलप अक्रॉस आर बोलूं, व्हाट इज द आई वैल्यू, सो आई वैल्यू हो जाएगी 12 - 7.2 डिवाइडेड बाय दिस आर. राइट, सो व्हाट इज द आर वैल्यू, आर वैल्यू हो जाएगी दैट इज 12 - 7.2 डिवाइडेड बाय आई. एंड व्हाट इज दिस आई, एक्चुअली आई इज गिवन एज 12 - 7.2 डिवाइडेड बाय आई जेड प्लस आई एल. राइट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड, आई जेड की वैल्यू हमें दी गई है 10 mA, आई एल की वैल्यू हमें दी गई है 100 bar, 12 to 100 mA है ना. तो मैक्सिमम लोड करंट के केस में आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी मेंटेन रखनी है, 7.2. तो 7.2 वोल्टेज मुझे मेंटेन रखनी है, तो डैट मीन्स जो मेरा लोड करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हमने काउंट कर लिया एंड दिस इज 100 mA. क्यों? क्योंकि मिनिमम जेनरेट आउट करंट दिया गया दैट इज 10 mA. तो यहां पे आप लोड करंट को क्या लेके चलेंगे, मैक्सिमम. जब जेनरेट आउट मिनिमम है, लोड करंट मैक्सिमम हो जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेड ओवर हियर, आईजेड इज 10, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईएल, आईएल विल टेक मैक्सिमम दैट इज 100. तो जस्ट आई पुट द वैल्यू 10 + 100, तो ये हो जाएगा आपका 4.8/110. सो ये आपको सॉल्व करके वैल्यू दे देगा 43.5 kΩ, दैट इज द आंसर ऑफ आर वैल्यू. राइट, सो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन जेनर डाउट. सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ सकते हैं. और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थियोरेटिकली बहुत रेयर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम. सो आफ्टर दिस योर जेनर डाउट कॉन्सेप्ट इज ओवर. जेनर डाउट कैसे काम करता है, कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ओवर. नाउ फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर्स हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो बचा है दैट इज स्पेशल पर्पज डायोड. सो वन बाय वन यू हैव 5 स्पेशल पर्पज डायोड, लाइक LED है, LCD है, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड. सो वन बाय वन हम एक एक डायोड को डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.